से फ्लो देखो कितना तेज है पानी का। ये जांगला विलेज जहाँ पे आगे जाके पैलेस सिचुएटेड है। ये ऐसे एक एंट्री गेट मिलेगा, रोड से थोड़ा सा राइट में कट के अलग से दिख जाएगा, बोर्ड लिखा हुआ है जांगला विलेज के नाम से, और आगे जाके पैलेस का रास्ता है, वो आगे जाके बताता हूँ आपको। यहाँ पे जांगला में जो पैलेस है उसका थोड़ा अलग सीन है, एक फैमिली उसकी केयर टेकर है पूरी। तो जो ऊपर पैलेस जो है पुराने वाला जो पैलेस है, यहाँ पे दो पैलेस बने हुए, एक में तो वो फैमिली रहती है जो नीचे मेन विलेज में पड़ता है जांगला में, और जो ऊपर पैलेस पुराने वाला है वो ज्यादातर बंद रहता है। गांव की रानी थी, रानी थी शायद उसकी, सही स्टोरी हमें भी नहीं पता, बट जो वहाँ लोगों ने बताया वो हमने आपको बताया। और ज्यादातर चाबी उनके पास रहती है, वो सॉर्ट ऑफ एक केयर टेकर है उसके। तो अभी हम उनके नीचे वाले जो घर है वहाँ गए थे, वहाँ पर कोई नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है वो ऊपर ही हो, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर देखते हैं, अगर मिलते हैं तो बता रहे हैं कि काफी पुराना है और काफी मतलब बहुत कम लोग विजिट करते हैं यहाँ पे। तो अगर पॉसिबल हुआ पूरी कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों को ये दिखा सकूँ, क्योंकि शायद से यहाँ पे कोई विजिट नहीं करता। वो ऊपर बना हुआ है वहाँ पे पैलेस, एक बार जूम करके दिखाता हूँ। और ये रोड यहाँ पे एंड हो जाती है, आगे पता नहीं कहाँ जा रही है, इसलिए रिस्क नहीं लेना क्योंकि ये कच्चा रास्ता है सारा। आगे कुछ नहीं है, ये पक्का पता है, पैलेस यही है, बाकी जो है वो इधर ही है। ये ऐसे टेरेन है, वो जो वहाँ पे नीचे दिख रहा है वो है जांगला विलेज, और ये पैलेस है। देखते हैं अब, यहाँ पे वैसे कोई दिख नहीं रहा है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ज़रूर जाएंगे ऊपर। ये खड़ी है गाड़ी, और ये बाहर का एंट्री एरिया सॉर्ट ऑफ है, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप पैलेस के पास पहुँच चुके हो, और वो वहाँ ऊपर है पैलेस। यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है इस पे। जांगला खार पैलेस यही है, ये लिखा हुआ है इस पे। अच्छा, ये स्टेयर्स जा रही है ऊपर। यहाँ का आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, जो ये पैलेस है, यहाँ जो जांस्कर के जो राजा थे उन्होंने दो पैलेस बनाए थे ऐसे, एक तो है ये जांगला में और जो दूसरा है वो है पदुम में। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैलेस है यहाँ का, लद्दाख का। और क्या था, एक वो भी था ना कि सबसे लास्ट में यही बचा हुआ था शायद, जब जम्मू कश्मीर में वो हुआ था मर्ज, जम्मू कश्मीर में मर्ज हुआ था उस टाइम पे यही सबसे लास्ट बचा हुआ था। ये है पैलेस का पहला स्टॉप, आखिरी भी। ये देखने से ऐसा लग रहा है जैसे गेट होता है कोई, कि द्वार जो हो गया इससे होके पास होके जाना पड़ेगा आगे, बोरा पैलेस। और ये एक वॉच टावर की तरह है, यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, ये यहाँ से व्यू, वो पीछे वहाँ पे है जो गांव में, वो दूर अंकल जा रहे हैं, उन्हें हमने आवाज़ लगाई अभी और उन्हें यहीं से सुन भी गया। हाँ, शांति बहुत है यहाँ पे, बहुत बुरा हुआ यार हमारे साथ, ऊपर बंद है, कुछ नहीं है ऊपर, कोई नहीं है मतलब, और पता नहीं नीचे वाले घर पे भी कोई नहीं है। जो वहाँ लोकल थे रहने वाले, उन्होंने पता भी किया था, बट उनके घर पे वहाँ ताला लगा हुआ था, अब हो सकता है वो पता नहीं कहीं गए हुए हों या कुछ है। बट एक बार मन था, जब इतनी दूर तक आए थे बार बार नहीं आते, तो देख के जाना चाहिए, आप लोगों को भी मज़ा आता देखने में, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज़ है, हर कोई दिखाता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई आया होगा यहाँ पर, बट आया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी जगह दिखानी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। बाय बाय जांगला पैलेस, फिर कभी अगर किस्मत में हुआ तो ज़रूर जल्दी मिलेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं, हम रास्ते में एक मॉनेस्ट्री पड़ी थी उधर।
कारशा, वेलकम टू कारशा, और वो परे वहाँ पे कारशा मोनेस्ट्री जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। 850 साल पुरानी है। 850 साल पुरानी, और यहाँ पे मम्मी भी बता रहे हैं अगर ऐसा होगा तो मेरी सेकंड हो गए, पहले मैंने पू में देखा था और अब ये सेकंड हुआ। पहले मोनेस्ट्री में जा रहे थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग से, लेकिन वहाँ का रास्ता थोड़ा एक तो रिस्की हो रखा था बारिश की वजह से, और थोड़ा सा पैदल का भी था वहाँ पे चढ़ के जाने का, तो बारिश में कोई सेंस नहीं था। अब हम आए हैं कारसे में, कारसे मोनेस्ट्री में, और यहाँ पे शायद ऊपर मम्मी भी प्रिजर्व करके रखे हैं, अगर हमें देखने का मौका मिलेगा तो आपको भी बताएंगे। ये मोनेस्ट्री की एंट्रेंस, ऊपर वहाँ पे चलो भाई, वो है सारा पदम, और इधर ये ब्रिज है, ये यहाँ पे ब्रिज छोटू सा जिससे हम अभी आए थे, ये सारा गांव है, इसके ऊपर बना हुआ ये मोनेस्ट्री। ये ऊपर चल के और देखते हैं क्या है ऊपर। आज मौसम अचानक से ही चेंज हो गया, वहाँ पे पहले स्नोफॉल कुछ नहीं थी, अब वो भी वहाँ पे बर्फ से ढक चुका है सारा। इधर का फिर भी थोड़ा क्लियर हो गया, इधर भी हो गया, हाँ इधर भी हो गया, बर्फ आ चुकी है। जो वो मोनेस्ट्री जिसमें हम पहले जाने वाले थे वो है वो उधर, ये वाले वहाँ पे थोड़ा ट्रैक ज़्यादा था तो बारिश में पॉसिबल नहीं था, इस वजह से वो कैंसिल हो गया। चलो फिर चलते हैं, आजा। ये सब प्रेयर के बाद में ऐसे करके जाते हैं, सुबह 6 से 7 तक पूजा होती है ना, और शाम को भी होता है? शाम को नहीं है, क्लोजिंग टाइम 6 बजे है शाम को। मेहनत करने के बाद हम अंदर जा पाए मोनेस्ट्री में, वो जो मेन यहाँ के लामा जो होते हैं उनके पास चाबी थी, तो उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करा नीचे जाके, तो उन्होंने बोला आप इतने दूर से आए हो तो मैं आपके लिए खुलवाऊंगा, क्योंकि टाइमिंग जो है यहाँ की वो 6 बजे की है, और अंदर बहुत सारी चीज़ नई नई जानने के लिए पता लगी। सबसे पहले तो एक यहाँ पे फेस्टिवल होता है, काली माता का एक मंदिर है अंदर, जो उन्होंने बताया कि हर एक आपको मोनेस्ट्री में मिलेगा, तो वो पूरे साल बंद रहता है, सिर्फ साल में 1 हफ्ते के लिए खुलता है। अब जिसके किस्मत में वो होगा वो आ सकता है, तो ये वाली जो मोनेस्ट्री है इसमें वो जुलाई के मंथ में ही खुलता है, कोई डेट फिक्स नहीं है, वो हर साल फ्लक्चुएट करती रहती है, प्लस साथ में उससे अलग वो पूरे टाइम बंद रहता है, और हर एक मोनेस्ट्री का टाइमिंग अलग होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जुलाई में खुलेगा तो हर जगह जुलाई में ही खुलेगा। सेकेंड चीज़ जो हम मम्मी के बारे में बात कर रहे थे वो ये था कि वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं था, मैंने एक फ़ोटो लिया था, बस फ़ोटो अलाउड था वहाँ पे,
तो उन्होंने ये बताया कि जिनके वो मम्मी है उन्होंने ही ये मोनेस्ट्री बनाई थी आज से 1000 या 1400 साल के करीब पहले, और उस टाइम उन्होंने अपना निर्वाण अचीव कर लिया था, जो होता है अपने बॉडी को बिल्कुल ही फ्री कर देना। और उनका ये था कि उस टाइम से अब तक वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है अच्छे से। बीच में यहाँ पे कुछ उन्होंने जो बताया, डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन जो उन्होंने बताया वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे अटैक वगैरह कुछ हुआ था, टेररिस्ट अटैक, तो जो जिस चीज़ में वो बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ था वो गोल्ड वगैरह से और उन सब चीज़ से प्लेटेड थी, तो जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने उनमें से काफ़ी चीज़ें यहाँ से चुरा के ले गए थे, तो उन्हें उसको दोबारा से बाद में रिस्टोर करना पड़ा था। तो जो वो पहले जहाँ पे रखे हुए थे वहाँ से अब उनको दूसरी जगह पे रखा था। लेकिन मैं इसके बारे में अपने आप से के तरफ से बिल्कुल श्योर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे आगे से पता लगा है। और एक चीज़ जो ये वाली मोनेस्ट्री है वो यहाँ जांस्कर वैली की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, और जिस वाली हम मोनेस्ट्री में पहले जाने का प्लान कर रहे थे उसके बारे में भी जो यहाँ लामा थे उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे सारी लेडी मॉन्क्स हैं, और जैसे प्रोसीजर यहाँ पे रहता है प्रेयर्स का या जो सब भी होता है, जो टीचिंग्स जो भी होती हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया जाता है। बस वहाँ पे जितने सारे स्टाफ कह लो आप या जो भी सब कह लो, प्रीस्ट कह लो, मॉन्क्स, वो सब लेडीज हैं वहाँ पे। कारशा से अब हो चुके हैं हम एग्जिट, और अब वापस जा रहे हैं हम अपने होटल के साइड, क्योंकि वहाँ पे उधर जहाँ पे वाटरफॉल है उधर की साइड बारिश है, तो वहाँ पे जाने का अब कुछ सेंस नहीं बैठता। फिर कभी आएंगे तो होगा, फिलहाल के लिए जितना कवर हम कर सकते थे उतना हमने कर लिया। बस जो कोई भी यहाँ आ रहा है तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि ऐसे जो रिमोट एरियाज हैं ज़्यादा आप वो कवर करें, ना कि वो जो आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो या फिर जो आपने सुने हो, बट जितने भी रिमोट हैं आप उनको जितना ज़्यादा प्रमोट करोगे उतना अच्छा होगा। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो एक अलग सी जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना वो हो रहा था, जैसे हम उनसे पूछ रहे थे, एक दो चीज़ हमने अपने एंड से पूछी जो भी थी, तो उनको भी थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो अच्छा लगता है उन्हें भी। तो इसलिए कोशिश ये रखना कि जितने ऐसे रिमोट हैं, जैसे मोनेस्ट्री भी आपको जाना है या फिर और कोई जगह जाना है जैसे वो पैलेस था, तो प्लीज़ यही कोशिश रखना कि यहाँ पे ज़रूर विज़िट करो आप। आज सुबह तक यहाँ पर कुछ नहीं था और अब ऊपर सारे में स्नोफॉल हो चुके हैं, पता नहीं लगता, यहाँ भी वेदर अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल। सुबह कड़ी धूप थी, सुबह बहुत अच्छी धूप थी, और अब इतनी ठंडी हवा चल रही थी, हमें ऐसे लग रहा था कि जैकेट क्यों नहीं लेके आए हम। बिल्कुल सीधी रोड, ऐसी रोड कुछ कुछ नोबरा के वहाँ भी पड़ती है। फाइनली वी आर बैक एट आवर होटल। आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा टायरिंग रहा, थोड़ा एडवेंचरस भी था, बट जो कुछ अलग चीज़ देखने की इच्छा थी वो आखिर में लास्ट में जाके पूरी हो भी गई। और अभी का प्लान ये है कि अभी डिनर रेडी होने वाला है, 8 बजे हैं, लेकिन अभी बाहर फिर भी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। डिनर करके अपना सामान सारा पैक करके जल्दी सोएंगे, क्योंकि सुबह हमें फिर ले के लिए भी निकलना है। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, अपने ही चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।